नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस एक्सरसाइज 5.2। 5.1 हम जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज थी। अब देखिए मैंने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे लिखे हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो केवल 6 टॉपिक्स ही मैंने लिखे हैं इंपॉर्टेंट नोट के, और इन 6 टॉपिक्स में पूरा चैप्टर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। देयर इज अ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ए डी और एन, इस पूरे चैप्टर में जो है इन तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ए आपको पता है फर्स्ट टर्म होती है, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस होता है, और एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए यूज होता है। अगर ए और डी नहीं होगी तो हम एपी नहीं बना पाएंगे, और जब भी हमें पता करनी हो कोई टर्म तो हम हेल्प लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स की। और आपको पता है सेकंड जो है नंबर ऑफ टर्म्स पता करने का फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और अगर कोई फिनिट सीरीज हो तो उसमें अगर लास्ट टर्म हो तो लास्ट टर्म पता करने का भी यही फॉर्मूला है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ पर एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म। एंथ टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, कई बार जो है जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो लास्ट टर्म से भी पूछी जाती है। अभी आप देखेंगे इस तरह की क्वेश्चन है 5.2 कि आपको स्टार्टिंग से नहीं बताना है, लास्ट के नंबर से कोई टर्म बतानी है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा एल माइनस एन माइनस वन डी। आप देखिए सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे लास्ट टर्म आ जाएगी ए के जगह, क्योंकि इस केस में ए जो जब स्टार्टिंग से हम कोई टर्म पता करते हैं तो हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं, लेकिन हम पता करेंगे लास्ट टर्म से, इसलिए यहाँ पे ए की जगह एल आ जाएगा और एन माइनस वन डी ऐसा सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन जो है वो प्लस की जगह किसका चेंज हो जाएगा माइनस। एक चीज और मुझे बतानी थी कि एन जो है वो हमेशा क्या होगा नेचुरल नंबर, मतलब कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स ऐसा नहीं आएगी कि ये जो है 5.5 टर्म होगी या 6.25 टर्म होगी, जो भी टर्म आएगी वो फिक्स नंबर होगी, फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म या 10th या 100th या 2000 जो भी है। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है 5.3, उसमें पढ़ेंगे हम सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में, उसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 5.2 का। अब आप सोच रहे होंगे कि 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है सर ये तो बहुत इजी है, इसमें तो टेबल बनी हुई है और हमें एक एक मिसिंग वैल्यू दी हुई है और उस मिसिंग वैल्यू को हम रख के आराम से पता कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए ये क्वेश्चन बता रहा है आपको कि आगे इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उनको इसी फॉर्म में अगर आप चेंज कर लेंगे, मतलब अगर आपको ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको आपको फर्स्ट क्वेश्चन की जैसे ही कन्वर्ट कर लेना है, तो जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे इस चैप्टर को सॉल्व करने का इजी मेथड बता रहा हूं मैं, जैसे आप इसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि दिया हुआ क्या है और पूछा क्या है। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में दिया हुआ है गिवन, गिवन क्या है ए इज इक्वल टू है 7, उसके बाद डी, डी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3, एंड नंबर ऑफ टर्म्स एन जो है एन इज इक्वल टू 8 और हमसे पूछा है ए एन। तो मैं इसको गिवन की फॉर्म में आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि आगे जो भी सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन जो भी है उनमें अगर आप ये लिख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमें क्या पता करना है और कैसे हम पता करेंगे। आपको पता है ए एन का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, ए एन हमें पता करना है तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, और सारी वैल्यूज हमें दी हुई है वो पुट कर दीजिए, तो एन इज इक्वल टू होगा ए की वैल्यू 7 प्लस एन जो है वो कितना है 8, तो यहाँ पे आ गया है 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 3। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 7 प्लस 21, 21 कैसे हो गया 8 माइनस 1 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, तो ये आंसर आ गया देखो 28। तो हमने ए एन की वैल्यू पता कर ली, ए एन जो होगा वो होगा 28। ऐसे आप देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, उसमें दिया हुआ है ए इक्वल टू है -18, ए इक्वल टू -18 और एन इक्वल टू दिया हुआ है 10 और ए एन इक्वल टू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 और हमें फाइंड आउट करना है डी। ज्यादा मुश्किल नहीं, आप देखिए ए एन ए एन और डी ये कौन से फॉर्मूले में है, बस वही फॉर्मूले अप्लाई करना है, अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन डी, और एन की वैल्यू दे रखी है 0, तो वहां पे 0 पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू है -18 प्लस एन की वैल्यू है 10 माइनस वन डी। 0 इक्वल टू, जब हम सॉल्व करेंगे तो -18 प्लस 9d, हाउ इट इज 9d, 10 माइनस वन इक्वल टू 9। अब आप देखिए d का वैल्यू पता करनी है, तो d के साथ जो वैल्यू है ट्रांसफर हो जाएगी, तो 9d इक्वल टू हो जाएगा 18, तो d इक्वल टू हो गया 18 अपॉन 9 इक्वल टू 2। इस तरह से हम बड़े आराम से जो भी गिवन वैल्यूज है उनकी हेल्प से हम कोई भी जो भी मिसिंग वैल्यूज है उसको बड़े आराम से इजीली पता कर सकते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टूड हुआ होगा कैसे हम गिवन वैल्यूज को यूज करके जो भी हमें आस्क है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आप बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन इसके इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, जो भी मिसिंग वैल्यू है उसकी जगह आपको रख देना है, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, ए एन इक्वल टू एन प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है 38th टर्म ऑफ एपी, आपको 38th टर्म बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में आपको बतानी है 38th टर्म। 38th टर्म क्या होती है? A30। और आपको फॉर्मूला के बजाय डायरेक्ट बताया A30 क्या होती है, A प्लस 29D। और A आपको बताइए, A है इसमें 10 और D कितना होगा, D ए है इसमें 10। गिवन वैल्यू लिखो, गिवन लिखना सिखा रहा हूँ, गिवन है ए और डी है 7 माइनस 10 मतलब -3, डी होता है A2 माइनस A1, तो हो गया -3। अब आपको पता है ए और डी की वैल्यू चाहिए हमें, ए और डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको 38 टर्म आ जाएगी। ऐसे इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको बतानी है 11th टर्म। तो आई होप कि आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। आप देखिए ये क्वेश्चन बनाने का केवल और केवल तरीका है कि उन्होंने वहां पे बॉक्स बना दिया है, फर्स्ट जो है उसमें बना हुआ है 2 और यहाँ पे बना हुआ है बॉक्स और यहाँ पे बना हुआ है 26। इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, 2x और 26 आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन बनाने का मैंने बताया तरीका है, अभी इन्होंने यहाँ पे मिसिंग कर दिया, यहाँ पे क्या नंबर आएगा ये पूछा, जबकि हम यहाँ x लिख दे तो भी ये पूछ रहा है कि x से क्या आएगी, दोनों का मीनिंग एक ही है, जो वैल्यू यहाँ आएगी वही यहाँ पे आएगी। अब आपको ये देखना है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है मैंने बताया ना, गिवन लिखोगे तो आपको पिक्चर क्लियर होगी, हमें गिवन है ए कितना है 2, और क्या दिया हुआ है इसमें, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और थर्ड टर्म है, इसका मतलब एक मुझे दिया हुआ है A3 और A3 कितना है 26। गिवन लिख के मैं समझा दे रहा हूं कि गिवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब आपको बताया मुझे ये बताना है, मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड टर्म बतानी है और सेकंड टर्म होती है ए प्लस डी। अब आप गिवन में देखिए कि आपके पास ए तो है लेकिन डी नहीं है, इसका मतलब है कि इन दोनों को सॉल्व करके हमें डी पता करना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A3? A3 होता है A+2D और वो हमें गिवन है 26। और A की वैल्यू अगर मुझे दी हुई है और मैं A की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो मुझे किसकी वैल्यू पता हो जाएगी, D की। A की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2, तो 2+2D इक्वल टू 26, तो 2D इक्वल टू 26 माइनस 2 और 2D इक्वल टू हो गया है 24 और D इक्वल टू आ गया है 12। Now I have the value of A and the value of D. और according to question, I have to find out the second term. तो second term is equal to होता है A plus D और A की value है 2, D की value है 12, जो मैंने find out कर ली और आ गया है 14। देखिए आप कितना आसान है और कितना आसान चैप्टर है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 14 और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए तो इसकी वैल्यू भी हो गई, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 14। बहुत ही मस्त तरीके से हम इनको सबको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे आप सेकंड देखिए, सेकंड में दिया हुआ है यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 13, उसके बाद एक और बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 33।
अब आपको ये क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछा है। दिया हुआ क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। तो दिया हुआ क्या क्या है, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म। पूछा क्या क्या है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। तो जो गिवन है पहले उसको लिखो, गिवन है सेकंड टर्म मतलब ए टू, वो कितना दिया हुआ है 13, और क्या गिवन है ए फोर फोर्थ टर्म और वो कितनी दी हुई है 2। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ना तो मुझे ए गिवन है और ना ही डी। आई डोंट नो अबाउट द ए और डी। तो आपको मैंने बताया था कि क्या करें, जो गिवन है उसको सॉल्व कर दें, और जो गिवन को सॉल्व करेंगे तो वी हैव द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। ए टू दिस गिवन, ए टू इज इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म इज इक्वल टू ए प्लस डी, और ए प्लस टू डी इक्वल टू हो गया 13। ए फोर होता है ए प्लस 3 डी और वो इक्वल टू हो गया 2। अब आप याद करिए आपका थर्ड चैप्टर, ये दो एक तरह से दो इक्वेशंस बन गई टू वेरिएबल की, जहां पे हम उस चैप्टर में दो वेरिएबल टू वेरिएबल्स को सोल्व करते थे, कौन से वेरिएबल हो एक्स और वाई। तो ऐसा जरूरी नहीं सब जगह एक्स और वाई हो, जहां पे भी आपको टू वेरिएबल हो तो सेम मेथड, कोई सा भी मेथड एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी भी, सबसे इजी मेथड है एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है। ये एलिमिनेशन में हम साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया। माइनस का माइनस होने से क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो हमारे पास आ गया माइनस का 2d इक्वल टू माइनस का, सॉरी 3 है, ए फोर इक्वल टू 3 है, यहाँ पे 3 लिखने दो। तो ये हो गया है प्लस का 10, 2d इक्वल टू हो गया है प्लस का 10। और अब हम इसको सॉल्व करके आराम से d की वैल्यू पता कर सकते हैं, और d की वैल्यू होगी, d इक्वल टू होगा 10 डिवाइड बाई माइनस 2 तो इक्वल टू माइनस 5। और टू वेरिएबल की फॉर्म से आपको याद हो गया होगा, व्हेन वी हैव द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल तो बाय पुटिंग द वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन वी गेट द सेकंड वैल्यू। इट मीन्स डी की वैल्यू मैं इन दोनों में से किसी में पुट कर दूंगा तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ ए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्योंकि इक्वेशन का क्वेश्चन है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन वन, और इक्वेशन वन इज ए प्लस डी इक्वल टू 13 और डी की वैल्यू है माइनस 5, तो डी की वैल्यू माइनस 5 इक्वल टू 13 और ए की वैल्यू आ गई मुझे 13 प्लस 5 तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ ए और तो ए इज 18। अगेन नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज दैट्स व्हाई आई टेल यू कि देयर इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ए डी और एन। नाउ ए एंड डी आई हैव, तो हमसे पूछी है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो ए होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, तो यहां पे कितना आ जाएगा 18, क्योंकि जो ए होता है वही फर्स्ट टर्म होता है। अब उसके बाद ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थर्ड टर्म होती है ए 3 होती है ए प्लस 2 डी, ए की वैल्यू कितनी है 18 प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी है माइनस 5। व्हेन वी सॉल्व इट तो 18 माइनस 10, व्हाट इज 10, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई माइनस 5 तो माइनस 10 तो इक्वल टू 8, इसका मतलब यहां पे आएगा 8। तो ऐसे गिवन वैल्यूज में जो भी दिया हुआ है उसको सॉल्व करके ए डी और एन पता कर लें तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आई होप कि आप जो है थर्ड क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट जो है आपको ये अंडरस्टूड हुआ होगा, जो जो गिवन वैल्यूज है उनको सॉल्व करके हम बाकी ए और डी इक्वेशन से बना के सॉल्व कर लें, और ए और डी की वैल्यू पता होने के बाद हम आराम से कोई सी भी टर्म जो है, अगर ए और डी हो तो आपको पता ही है कोई सी भी टर्म बताई जा सकती है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, कोई बता सकते हैं इसमें क्या पूछा है। विच टर्म, एपी इज गिवन, एपी मुझे गिवन है और वो गिवन है 3, 8, 13, 18 और
दस दस के बाद ये जो एपी है उसकी कौन सी वैल्यू जो है वो 17 टू की। विच टर्म मतलब एंड पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही वी हैव टू अंडरस्टूड कि हमें पता लग गया फर्स्ट लाइन से कि विच टर्म मतलब एंड पूछा गया है। बाकी वैल्यूज आप लिखें गिवन में। ए कितना दिया हुआ है 3। ए जो है एपी का फर्स्ट टर्म होगा 3। और डी कैसे आएगा 8 - 3 = 5। अब ए और डी है और क्या है ए एन भी है। ए एन कितना है 78 क्योंकि पूछा कि कौन से टर्म 70। इस एपी में अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो कौन से टर्म 78 होगी। अब आप देखिए ए दिया हुआ है डी दिया हुआ है एन दिया हुआ है। तो आप देखिए इसी तरह से हम लिखेंगे तो आप देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके जैसे बन गया है। आपको होता है एन कैसे पता करेंगे। वी हैव द फॉर्मूला एन इज टू ए प्लस एन माइनस वन डी बाय अप्लाइंग दिस वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एन। नाउ एन इज 78 तो इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3 प्लस एन इज नॉट गिवन तो इन प्लेस ऑफ एन वी राइट एन एंड डी इज इक्वल टू 5। नाउ 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 एन माइनस 5 एन माइनस 1 इज मल्टीप्लाई बाय 5 तो इट बिकम्स। नाउ 78 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5 एन। हाउ इट इज माइनस 2 लाइक टर्म्स आर सॉल्व तो 3 और माइनस 5 बिकम्स माइनस 2। नाउ व्हेन वी ट्रांसपोर्ट तो इट बिकम्स 5 एन इज इक्वल टू 78 प्लस 2 ये 2 जो हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस का है इसलिए तो हो गया 80। नाउ एन इज इक्वल टू 80 अपॉन 5 और 80 अपॉन 5 इज इक्वल टू 16। वी गॉट द वैल्यू ऑफ एन और एन इज इक्वल टू है 16। इट मीन्स इस एपी की जो 78 है वो कौन सी टर्म है 16th टर्म है। आप चाहें तो आप वैल्यू पुट करके चेक कर लें 16th टर्म जो भी होगी ये जो एपी गिवन है वो कितनी होगी 78 होगी। बहुत इजी एक्सरसाइज है ऐसे चिंता नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। एपी बनी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन की एपी है 7 क्वेश्चन नंबर 5 जो है 7, 13, 19 और आपको बताना है कि यहां से यहां तक 205 तक फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। यहां से यहां तक इसमें कितने टर्म्स होगी इसका मतलब इसकी फर्स्ट टर्म भी दी हुई है और लास्ट टर्म भी दी हुई है तो आपको पता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला और ए एन का फॉर्मूला सेम है जैसे फॉर्मूला ए एन और लास्ट टर्म तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है और यहाँ से भी हम पता कर लेंगे वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू पता करनी है आ गई आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 हमने अभी भी सॉल्व किया उसी तरह का 5th क्वेश्चन है और यहाँ पे ए की वैल्यू दे रखी है डी की वैल्यू आप 13 - 7 से पता कर लेंगे। ए एन हो गया 205 और तो और उस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी के फॉर्मूले में पुट करने पर एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 4 तो यू यूजुअली एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि हाउ इट इज। चेक वेदर -150 द टर्म ऑफ द एपी। हमें चेक करना है कि ए एन को ये ए एन हो सकता है क्या किसका जो एपी यहाँ पे गिवन है और वो एपी है 11852 11852 आपको बताना है कि क्या ये इसका कोई टर्म होगा क्या। आप समझ रहे ये कुछ इसी तरह क्वेश्चन है जैसे मैं यहाँ पे एपी लिखू 2, 4, 6, 8 और 10 और आगे आ रही है 20 तो हमसे पूछा जाए कि क्या इस एपी की 20 कोई टर्म होगी क्या तो आपका आंसर होगा यस क्योंकि इसके बाद आएगा 12, 14, 16, 18 और 20।
अब मैं ये पूछूं कि क्या 19 इसकी कोई टर्म होगी क्या, तो आपका आंसर आएगा नो। लेकिन हमें नो कैसे पता लगेगा, चेक करने पर। इसके लिए है, इसीलिए मैंने लिखा था कि एन इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। मतलब सेम क्वेश्चन है, यहां पे भी हम एन पता करेंगे। क्योंकि एन क्यों पता करेंगे कि इफ दिस इज द टर्म ऑफ दिस, तो इसका मतलब कोई ना कोई नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। अगर ये नंबर इस सीरीज, इन नंबर ऑफ सीरीज में आएगा तो ये इसकी कोई ना कोई टर्म होगा, और अगर ये कोई ना कोई टर्म नहीं है तो फिर ये इस एपी का कोई नंबर नहीं होगा। इसका मतलब अगेन हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन। ए इक्वल टू कितना हो गया, 11। डी इक्वल टू क्या हो गया, 8 - 11 = 3, -3। और ए एन हमें दे रखा है 150, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी के फॉर्मूले से सॉल्व करें तो -150 इक्वल टू आया 11 + n - 1 और -3। -150 इक्वल टू 11 - 3n + 3। आपको पता हो गया, -3n से मल्टीप्लाई होगा तो -3n आएगा, -3n -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 आएगा। नाउ -150 इक्वल टू आ गया है 14 - 3n। अब आपको पता है जो 14 है वो ट्रांसपोर्ट की वैल्यू से हम पता कर सकते हैं आराम से, 14 - 3n की हेल्प से। नाउ 1 - 150 - 14 = हो गया -3n, और ये हो गया -164 = -3n। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 3n = 164, n = 164/3। और 164/3 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा बताओ, 164/11 से सॉल्व तो ये आएगा 5 3 15 और 4 3 12, 2/3। तो आप देखिए एन की वैल्यू जो आई है वो फ्रैक्शन में आई है, और एन की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, क्योंकि एन हमेशा एक फिक्स टर्म होती है। इट मीन्स -150 इज नॉट दी टर्म ऑफ गिवन एपी। आप समझ रहे हो मेरा मतलब, मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये इसकी टर्म होती तो कोई फिक्स नंबर आता, या तो 54th टर्म आती या फिर 55th टर्म आती, क्योंकि जो एन आएगा हमेशा एग्जैक्ट नंबर आएगा। इसका मतलब है एग्जैक्ट नंबर नहीं आया तो एन इसकी कोई भी टर्म नहीं होती। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको गिवन को लिख लेना है और दो ही क्वेश्चन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द 31st टर्म। तो सबसे पहले बोला है कि 31st टर्म बता रहा हूं, मतलब A31 एंड एपी हुज 11 टर्म इज 38। 11 टर्म A11 दे रखा है, वो कितना है 38। 11 टर्म इज 38 इज गिवन, एंड 16 टर्म इज 73, और दे रखा है 16 टर्म, वो दे रखा है 63। 16 टर्म इज 73। नाउ वी अंडरस्टूड हाउ इट इज सॉल्व। A31 31st टर्म बतानी है, और हमारा वी डोंट हैव ए एंड डी, तो यू अंडरस्टूड इससे पहले हमने सॉल्व किया था कि जो गिवन है, हमें जो भी गिवन है उसको सॉल्व कर दीजिए। तो हमें नाउ व्हाट इज 11 टर्म, A+10d और दैट इज इक्वल टू 38। व्हाट इज 16 टर्म, A+15d और दैट इज इक्वल टू 73। दो इक्वेशंस बन गई है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। कौन सा मेथड बहुत इजी है टू वेरिएबल के लिए, एलिमिनेशन। नाउ व्हेन वी सॉल्व बाय एलिमिनेशन, तो साइन चेंज तो ए इज कैंसिल आउट। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, -5d इक्वल टू 5 और 35। तो डी की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है -35,
तो डी माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो डी इक्वल टू हो गया 35/5 इक्वल टू 7। और जब आप बताए ए किसी वेरिएबल की वैल्यू आ गई डी की, तो एक दूसरे वेरिएबल कैसे आएगी? इक्वेशन किसी भी इक्वेशन रख दीजिए, मैं इसमें रखा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में 38, तो ए प्लस 10 और डी की वैल्यू हो गई 7 इक्वल टू हो गया 38, ए प्लस 70 इक्वल टू 38, ए इक्वल टू हो गया 38 माइनस 70, और ए की वैल्यू 38 माइनस 70, 38 माइनस 70 कितना होता है उसको? और वो होता है -32। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ डी एंड द वैल्यू ऑफ ए एंड वी हैव टू फाइंड आउट 31st टर्म, दैट इज A31 इज इक्वल टू होता है A+30D। ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू है हमारे पास -32 + 30 और डी की वैल्यू है 7। नाउ -32 + 210, माइनस का 32 है और प्लस का 210 है, तो कैंसिल आउट हो गए, आंसर आ गया 178। प्लस का 178, इट मीन हमने आराम से 31st सम बता दी, इसकी जो फर्स्ट सम है वो होगी 178। बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 इज एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, मतलब ये एपी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 50 है। फॉर विच थर्ड टर्म इज 12, A3 जो है वो 12 है, गिवन वैल्यू लिख रहा हूं पहले, एंड लास्ट टर्म इज 106 और लास्ट टर्म है 106। फाइंड द 29th टर्म, हमें फाइंड करना है 29th टर्म, दिस इज द क्वेश्चन। अगेन वी हैव दैट व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट द 29th टर्म, तो वी नीड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। तो आपको मैंने बताया जो भी गिवन है उसी को सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे ये दो चीजें गिवन है। नाउ A3 इज इक्वल टू होता है A+2D, दैट इज इक्वल टू 12, और लास्ट टर्म जो होती है वो होती है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू होती है L इक्वल टू A+N-1D। ये बन गई है फर्स्ट इक्वेशन हमारी। अब सेकंड इक्वेशन में लास्ट टर्म है 106 इक्वल टू A की वैल्यू पता नहीं, तो A+N इज इक्वल टू है 50-1D। लास्ट टर्म 106, A की वैल्यू नॉट गिवन, N इज गिवन, की 50 टर्म्स आर देयर, तो 50-1 और D। नाउ 106 इक्वल टू हो गया A+49D। और आप देखिए कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारी बन गई है 2 इक्वेशंस। और आप बताएं इन दोनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन फॉर्म करने का तरीका है सर, ये हो गई A+49D = 106, और इन दोनों को अगेन हम सॉल्व कर लेंगे बाय एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो आएगा A से कैंसिल आउट -47D, प्लस का 12 और माइनस का है 106, तो इट इज इक्वल टू -94। माइनस टू माइनस कैंसिल आउट, डी इक्वल टू हो गया 94/47, मतलब 2। डी की वैल्यू आ गई है 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, A+2D = 12, तो A+2 × 2 = 12, A+4 = 12, A = 8। ऐसे करके हमने देखिए ए और डी की वैल्यू पता कर ली, जो भी गिवन वैल्यूज हमें थी उनको सॉल्व करके। और व्हेन वी गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी,
वी इजीली फाइंड आउट द 29 टर्म. यू नो दैट 29 टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 28 डी. और ए की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 8 प्लस 28, डी की वैल्यू कितनी है 2, 8 प्लस 56, 8 प्लस 56 कितने हुए 64. वेरी इजी टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8. नाउ आई यू अंडरस्टूड. तो अभी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, अगेन राइट डाउन द गिवन, राइट डाउन द गिवन ऑलवेज, ताकि पिक्चर क्लियर हो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और क्या पूछा है. इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपीआर 4 एंड माइनस 8, थर्ड टर्म जो है ए 3 वो है 4, और नाइन्थ टर्म दी हुई है ए 9 मतलब नाइन्थ टर्म और वो दी हुई है माइनस 8, दैट इज द गिवन वैल्यूज. विच टर्म ऑफ एपी इज 0, हमें एम बताना है क्योंकि पूछा है विच टर्म ऑफ 0. आपको बताना है जिस एपी की थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म माइनस 8 है, उस एपी की कौन सी टर्म जो है वो 0 की. इसका मतलब हमें एन पता करना है, तो पहले ए और डी पता कर ले. बाय द गिवन वैल्यूज ए प्लस 2d इक्वल टू हो गया 4, ए प्लस 8d इज इक्वल टू हो गया माइनस 8. जब दो इक्वेशन बन रही हो तो इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं बस. व्हेन वी सबट्रैक्ट दिस तो इट बिकम्स माइनस 6d इक्वल टू 12, क्योंकि दोनों प्लस के हो गए 12 हो गए, तो डी इज इक्वल टू माइनस 2. व्हेन डी इज इक्वल टू माइनस 2 तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए प्लस 2d इक्वल टू है 4, तो ए प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4, ए माइनस 4 इक्वल टू 4, तो ए इज इक्वल टू हो गया 8. अब हमें ए और डी दोनों की वैल्यू पता लग गई है, और ए और डी की दोनों की वैल्यू हमें पता हो तो हम पता कर सकते हैं कोई सी भी टर्म, और हमें बताना है कौन सी टर्म 0 होगी. तो y की फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, जिसके थ्रू हम पता करते हैं. इसमें दो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है उसमें एपी नहीं दी हुई थी, एपी के लिए थर्ड और नाइन्थ टर्म दी हुई थी, जिससे हमें ए और डी पता कर लिए. और अब हम ए एन मतलब कौन सी टर्म 0 की, तो 0 इक्वल टू ए की वैल्यू हो गई है 8 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है माइनस 2, तो आ गया 0 इक्वल टू 8 माइनस 2n प्लस 2. तो आपको पता है कितना हो गया है 0 इक्वल टू 10 माइनस 2n, और बाय द ट्रांसपोर्टेशन 2n इज इक्वल टू माइनस 10, तो n इज इक्वल टू 5. इसका मतलब होगा फिफ्थ टर्म इज 0. ये जो भी एपी है उसकी जो फिफ्थ टर्म होगी वो 0 होगी. आप देख रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 वी सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 10 इज द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इस 10th टर्म बाय 7. 17th टर्म जो है वो किसी एपी की उस एपी की 10th टर्म से 7 ज्यादा है. इसका दूसरा मीनिंग क्या हुआ कि जो 17th टर्म है और जो 10 टर्म है उन दोनों में डिफरेंस कितने का है 7. दोनों का मतलब एक ही है. इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से 7 ज्यादा है, तो उसके इक्वल ऐसे भी ले सकते हैं. दोनों का मतलब एक ही. फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें डी पता करना है. हमें केवल इतना ही दिया हुआ तो हम इसी को सॉल्व कर देंगे. इसको सॉल्व करेंगे आएगा तो ए प्लस 16d माइनस ए प्लस 9d. इसको ब्रैकेट में रखिए क्योंकि यहाँ पे अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया है. यहाँ पे हमने रखा है इसको इसकी फॉर्म में, ए 17 होता है ए प्लस 16d, माइनस का साइन माइनस के साथ है, और ए 10 होता है ए प्लस 9d इक्वल टू 7. व्हेन वी
ओपन द ब्रैकेट तो इट बिकम्स ए माइनस 9d इक्वल टू 7। अब आप देखिए ए प्लस का और ए माइनस का कैंसिल आउट, 16d माइनस 7d इक्वल टू 7d इक्वल टू 7 और d इक्वल टू आ गया 1 और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो वी इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d और d इज इक्वल टू 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज विच टर्म ऑफ द एपी। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में एपी है तो हम एपी लिख देते हैं। एपी इज 3, 15, 27 and 39। विच टर्म ऑफ एपी इज 132 मोर देन 854th टर्म। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमें इस एपी की क्या पता करनी पड़ेगी 54th टर्म, और फिर उसमें ये ऐड करना पड़ेगा वो कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स होगी, जो नंबर आ रहा है उसको ऐड करने पर वो उसकी कौन सी टर्म होगी वो हमें पता करना है, मतलब उसके बाद हमें पता करना है एंड। तो बाय द गिवन एपी ए इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। नाउ वी फाइंड आउट 54th टर्म और 54th टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 53d। व्हेन वी सॉल्व इट ए इज 3 प्लस 53 और d की वैल्यू हो गई है 12। 53 मल्टीप्लाई बाय 12 और 53 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू व्हेन वी मल्टीप्लाई इट तो इट इज 636। तो इज इक्वल टू 3 प्लस 636 और दैट इज इक्वल टू 639। तो ये तो इस एपी की 54th टर्म हुई है, हमें बतानी है जो इसकी 54th हमसे 132 ज्यादा है। नाउ 132 मोर देन 54th टर्म वो क्या होगा, वो होगा 639 प्लस 132 और 639 और 132 को प्लस करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 771। मतलब हमें 771 को बताना है कि ये इस एपी की कौन सी टर्म होगी। अगेन वी फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d और इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे तो इजीली वी गेट द वैल्यू ऑफ एन। नाउ ए एन इज इक्वल टू 771 इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3, ए की वैल्यू है 3 प्लस एन, एन हमें पता करना है तो एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 12 वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे। नाउ 771 इक्वल टू हो गया 3 प्लस 12 एन माइनस 12। नाउ 771 इक्वल टू 12 एन माइनस 9, देखो 3 प्लस का है और 12 किसका है माइनस का, आपको पता ही है 12n इक्वल टू 12n तो ऐसे कैसे रहेगा 771 प्लस 9, ये माइनस 7 जो है इसके साथ आएगा 771 के साथ प्लस 9 तो 12n इक्वल टू हो गया 780 और n इक्वल टू होगा 780 अपॉन 12 12 6 72 फिर हो गया 6 और 12 5 60 तो 65th टर्म जो होगी वो होगा नंबर 771। आई थिंक यू अंडरस्टूड, बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं दिया था, बस आपको समझना था कि कौन सी टर्म जो है वो 132 मोर जो भी नंबर होगा वो कौन सी टर्म होगी। तो हमने पहले 54th टर्म पता कर ली और उसके बाद उसमें 132 ऐड कर दिया तो हमें नंबर पता लग गया, वो होता है 771 और उसको हमने पता कर लिया कि वो कौन सी टर्म है बाय द फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 12 इज टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 टू एपीज है और उनका सेम कॉमन डिफरेंस है मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल है। सपोज करो दो एपी है तो पहले हम टू एपी लेते थे ए हो गई ए एन ए एन इक्वल टू हो गया ए प्लस एन माइनस वन डी ये हमारी हो गई फर्स्ट एपी और दूसरी एपी को हम लिख लेते हैं कैपिटल एन से तो ए एन इक्वल टू हो गया ए प्लस एन माइनस वन डी तो टू एपी जो है ऐसी अलग अलग बनाने के लिए हमने कैपिटल एल ए की हेल्प ली है और ये दिया हुआ है कि दे हैव द सेम कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इसका मतलब है कि इनकी जो 100 टर्म है सेम कॉमन डिफरेंस और 100 टर्म में डिफरेंस है वो 100 का है विच इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। तो पहले हम फर्स्ट एपी फ्रॉम फर्स्ट एपी हम पता कर लेते हैं 100 टर्म इज फर्स्ट एपी की जो 100 टर्म होगी ए 100 वो इक्वल टू होगी ए प्लस 100 माइनस 1 डी क्योंकि ये तो हमने लिखा है एपी की फॉर्म और इन्होंने बोला कि 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो हमने पहले इसको लिख लिया कि इसकी 100 टर्म क्या होगी और दूसरी जो एपी है उसकी 100 टर्म होगी फ्रॉम सेकेंड एपी जो 100 टर्म होगी वो होगी ए 100 उसका भी जो होगा वो होगा कैपिटल ए प्लस 100 माइनस 1 डी मीन्स यहां पे भी लिखते हैं इसको करेक्ट करके ए प्लस 99 डी और यहां पे हमने लिख दिया ए प्लस 99 डी डी दोनों का इक्वल है इसलिए डी हमने चेंज नहीं किया दोनों एपी तो अलग अलग है लेकिन डी दोनों का सेम है समझिए इसको डी दोनों का सेम है इसलिए डी रखा है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उनकी फर्स्ट टर्म इक्वल हो लेकिन डी इक्वल है तो इसको ए हमने डिनोट किया है और इसको कैपिटल ए से डिनोट किया है तो ऐसे करके ये फर्स्ट एपी 100 टर्म होगी और ये सेकेंड एपी की डिफरेंस और इन्होंने बोला है कि इन दोनों एपी का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 तो हम दोनों तो फ्रॉम इक्वेशंस इन दोनों का डिफरेंस तो ए प्लस 99 डी और ए प्लस 99 डी इन दोनों का डिफरेंस बताया उन्होंने कि उन दोनों का जो 100 टर्म है ये हमने दोनों के 100 टर्म पता कर ली और इन दोनों के 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 का तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी इक्वल टू 100 ए से ए ओ सॉरी 99 से 99 कैंसिल तो क्या आ गया ए माइनस ए इक्वल टू 100 इसको सॉल्व करने पर आ गया ए माइनस ए इक्वल टू 100 उसके बाद आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है विच इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म 1000 टर्म अब आपको पता 100 टर्म ऐसी होगी तो नाउ 1000 टर्म आप बता सकते हैं डायरेक्टली 1000 टर्म क्या होगी इस फर्स्ट एपी की होगी ए प्लस 990 और दूसरी एपी की होगी ए प्लस 990 और हम इनका भी डिफरेंस पता करते हैं तो आएगा ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 990 और वैन यू सॉल्व इट तो 99 डी कैंसिल तो क्या बचा ए माइनस ए और आपको पता ए माइनस ए की वैल्यू कितनी है 100 इट मींस जो 1000 टर्म है उसका डिफरेंस भी कितना होगा 100 तो ये प्रूव हो गया कि किसी भी एपी का वैसे भी आप देखिए क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि अगर ये दो एपी ऐसी है जिनका डी सेम है और 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 100 तो फिर जितनी भी आगे जितनी भी टर्म होगी उनका डिफरेंस
तो जो सेम मल्टीपल में होगी 99, 100 टर्म का डिफरेंस 100 आया है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आएगा, 100। नाउ ये सवाल क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड द नंबर, हाउ मेनी नंबर आर थ्री डिजिट आर डिवाइडेड बाय 7। ऐसे कितने नंबर हैं जो थ्री डिजिट के हैं और वो 7 से डिविजिबल है। वैसे आपको पता है कि थ्री डिजिट का नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से और कहां तक होते हैं वो 999 तक, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि आपको ये सारे नंबर बताने हैं कि 100 से लेकर 99 तक कितने होते हैं। हमें केवल वो नंबर बताने हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं। एंड व्हेन वी चेक इट तो 100 के बाद 101, 102, 103, 104, उसके उसके बाद जो नंबर आता है 105, वो फर्स्ट नंबर है थ्री डिजिट का जो 7 से डिविजिबल होता है। और उसके बाद आपको पता लगेगा होगा अगला नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल है, वो है 112, उसके बाद है 109, और आपको सारे नंबर नहीं लिखने हैं। और जब हम आगे चेक कर रहे हैं 999 को, वो तो दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 7, 998 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, 997 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो जो लास्ट नंबर है वो कौन सा डिविजिबल है, 994। तो ऐसा करने पर एक एपी फॉर्म होगी जो स्टार्ट हो रही है 105 से और एंड हो रही है जिसकी लास्ट टर्म है 994। इट मीन्स हमें ये बताना है अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 105 टू 994 कितने टर्म्स है। इट मीन्स हमें बताना है एन, और एन के लिए फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एंड ए एन इज आवर लास्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 994, ए की वैल्यू है 105 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू आपको बताइए डी की वैल्यू कितनी है, 7। नाउ 994 इक्वल टू 105 प्लस 7 एन माइनस 7, आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा 994 इक्वल टू 98 प्लस 7 एन, 105 माइनस 7 हो गया 98। नाउ 994 माइनस 98 इक्वल टू 7 एन, और 994 माइनस 98, 994 माइनस 98 इज इक्वल टू 6, 8 99 जा 18, 8 99 18 और 896, तो 896 इज इक्वल टू 7 एन, देन एन इज इक्वल टू 896 अपॉन 7, 7 वन द 7, 7 टू जार 14 और 7 8 जार 56। इट मीन्स देर आर 128 नंबर्स इन थ्री डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 7। इट मीन्स 105 से 994 तक जितने भी नंबर्स है वो कितने नंबर्स होते हैं, 128, जो कि सारे ही डिविजिबल है 7 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, बिटवीन 10 एंड 250, और हमें बताने हैं इन दोनों के बीच में जो आने वाले हैं मल्टीपल ऑफ 4। आप होता है मल्टीपल ऑफ 4 है और 10 और 250 बीच में आ रहे हैं, तो सबसे पहला मल्टीपल जो बिटवीन 10 और 250 के बीच में आएगा वो कौन सा आएगा, 12। उसके बाद जो नेक्स्ट मल्टीपल आएगा वो कौन सा आएगा बताएं, 4 के मल्टीपल आए तो 4 की टेबल चलेगी इसमें पूरी, लेकिन 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 8 आएंगी नहीं, फिर 12 के बाद आएगा 16, 16 के बाद 20 और ऐसे करके जो लास्ट नंबर आएगा वो आएगा 248, और ये 12 टू 248 वो नंबर है जो लाइज बिटवीन 10 टू 250। अब आपको पता लग गया होगा ए ए इज इक्वल टू 12,
और डी इज 4 और जो लास्ट टर्म है वो है 248 और हमें बताना है एन। जैसे मैंने बताया था वैसे गिवन वैल्यूज को यूज कर लिख दो, हमें बताना है कि 12 से 248 तक कितने नंबर हैं, क्योंकि यही वो नंबर हैं जो लाई करते हैं 10 से 258। नाउ है लास्ट टर्म इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी एंड लास्ट टर्म इज 248 इक्वल टू ए की वैल्यू है 12 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 4। अब आप चाहें तो इस तरह से भी सोल्व करते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, आप लिख सकते हैं 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4। ये जो प्लस 12 हो रहा है उधर जाके क्या कर दो पहले माइनस, तो आपको ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। 248 माइनस 12 इज इक्वल टू हाउ मच, 236 इक्वल टू हो गया एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4। नाउ जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वो जो है वो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 तो वी गॉट दैट 236 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू आ गया एन माइनस 1। व्हेन 236 इज डिवाइडेड बाय 4 तो इट बिकम्स 59, तो एन माइनस 1 इक्वल टू आ गया 59, तो एन की वैल्यू आ गई 59 प्लस 1 मतलब 60। इट मींस 12 से लेकर 48 तक तो देर आर 60 नंबर्स। टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल लाइज बिटवीन 10 टू 250 और वो कौन से नंबर हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 4। तो ऐसे हम एन पता करके बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, व्हाट वैल्यू ऑफ एन मतलब कौन सी टर्म, एन मतलब टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स की, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन क्वेश्चन नंबर 15। नाउ वी सॉल्व द nth टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दे रखी है और वो एपी है 63, 65, 67 and 10 और एक दूसरी एपी दे रखी है वो है 3, 10, 17 और 10। हमें बताना है कि इन दोनों की कौन सी ऐसी टर्म है जो इक्वल होगी और nth टर्म कौन सी होगी। तो हमें पता है द nth इट मीन्स द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये फर्स्ट एपी है और ये सेकेंड एपी है, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी और अगर हम इक्वल करते हैं nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी तो हम पता कर सकते हैं कि विच टर्म ऑफ n इज इक्वल, क्योंकि n टर्म वही होगी जो इसका n टर्म होगी और इसकी n टर्म होगी तो n इक्वल आ जाएगा। n टर्म होती है a प्लस एन माइनस 1d और यहाँ पे भी होगी a प्लस एन माइनस 1d। अब यहाँ पे a और d की वैल्यू वो पुट करनी है जो फर्स्ट और सेकेंड एपी में, फर्स्ट एपी का a जो है वो कितना है 63 प्लस एन हमें पता करना था एन माइनस 1 डी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी इज इक्वल टू 2। यहाँ पे जो ए है वो सेकंड एपी का है 3 तो 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो हमने इक्वल में इन दोनों को पुट कर दिया है तो ये दोनों की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। नाउ वी हैव टू सॉल्व 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। नाउ पुट द वैल्यू 63 माइनस 2 इज 61 प्लस 2n इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n, 3 और माइनस 7 सॉल्व हो गए माइनस 4। नाउ 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n, n की वैल्यू सॉल्व करनी है तो बाय द ट्रांसपोर्टेशन माइनस 4 इज बिकम टू राइट लेफ्ट हैंड साइड तो प्लस 4 और 2n इधर इधर हो गए माइनस 4। नाउ 65 इज इक्वल टू 5n और n इज इक्वल टू 13 व्हेन 5 इज डिवाइडेड बाय 6
and 65 it will become 13. It means 30th term. 30th term are equal. It means 30th term ऐसी है इन दोनों AP में जो आपस में क्या होगी equal होगी, दोनों AP की same value होगी जो कि इन दोनों value की 30th AP होगी. Now we solve question number 16. Question number 16 जो है वो भी related to है AP और वो है determine the AP whose third term is 16. मैंने बताया सबसे पहले मैं लिखता हूँ given. थर्ड टर्म होती है A3 और वो दिया हुआ है 16. थर्ड टर्म 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12. सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12. दोनों वैल्यूज मुझे गिवन है और दोनों वैल्यूज को मैं सॉल्व कर दूंगा तो मुझे आराम से जो है पता लग जाएगा. तो सॉल्यूशन हो गया A3. पहले A3 को लिख दी. A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D और दैट इज इक्वल टू 16. Now we solve it, it becomes A plus 6D. A 7 होता है A plus 6D minus A plus 4D equal to 12. इसको और solve करें तो आ गया A plus 6D minus A minus 4D equal to 12. आप देखिए A to A cancel out. Now 6D minus 4D is equal to 2D. 2D is equal to 12 और directly D की value आ गई है 6. If you got the value of D, तो आप देखिए इसलिए जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बनी है इसमें पुट करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन है A प्लस 6, A प्लस 2 और यहाँ पे 6 D के जगह 6 वैल्यू रखेंगे इक्वल टू 16, तो A प्लस 12 इक्वल टू 16, तो A की वैल्यू आ गई है 16 माइनस 12 और A इज इक्वल टू 4. तो इस तरह से D की वैल्यू हो गई है 6 और A की वैल्यू हो गई है 4 और हमें बताना है डिटरमाइन द AP फॉर्म करनी है. तो आपको पता फर्स्ट टर्म हो जाएगी 4, सेकंड टर्म आएगी A प्लस D मतलब 10, अगली टर्म आएगी आपको पता लग गया होगा जब D 6 है तो 16, 22 और इस तरह से एक AP जो है वो फॉर्म हो जाएगी. तो बड़े इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. इक्वेशन बन गई थी और दोनों इक्वेशन में जब सॉल्व करा तो एलिमिनेशन की नीड नहीं. आप देखिए इस क्वेश्चन में हमें एलिमिनेशन नहीं करना पड़ा दोनों सॉल्व करने के लिए क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन थी उसको सॉल्व करते ही डी की वैल्यू डायरेक्ट आ गई थी और डी की वैल्यू आते ही हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो ए की वैल्यू आ गई. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 जो है दैट इज फाइंड द 20th टर्म मतलब A20 तो हमें फाइंड आउट करना है. फर्स्ट लाइन ये दी हुई है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP और ये हमें पता करनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म से. ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको समझना है क्योंकि ये अलग से आपके क्वेश्चन है जिसमें लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म बतानी है एंड एपी इज गिवन एपी इज 3, 8, 13 और वो नंबर कहां तक है 253 तक एंड हो रहा है. अब देखिए इस नंबर में क्या अलग है इस क्वेश्चन में जो अलग है वो ये है कि अभी तक आप जो 20 टर्म बता रहे थे इधर से ये A हो जाता है ये D और 8 हो जाता है 3D लेकिन आपको यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे नहीं बतानी यहां लास्ट टर्म से आपको बतानी है ये अब 20 टर्म कौन सी होगी. इट मीन्स आपको इधर से गिनना है और वो 20th टर्म बतानी है. अब आप देखिए इसीलिए मैंने यहां जो फॉर्मूला लिखा था nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म का इजी फॉर्मूला है L माइनस N माइनस 1D. तो सबसे पहले D पता कर लें D हो गया है 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 और फॉर्मूला है A20 पता कर रहे हैं लास्ट टर्म से तो फॉर्मूला आएगा L माइनस N माइनस 1D. तो A20 इज इक्वल टू हो गया लास्ट टर्म कितनी है 253 माइनस N माइनस 1D N हो गया है 20 माइनस 1 और D की वैल्यू है 5. व्हेन वी सॉल्व इट तो बिकम्स 253 माइनस 19 इंटू 5 इज 95.
तो 253 माइनस 95 इज इक्वल टू 158। इस तरह से बड़े इजी केस, अगर हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एल माइनस एन माइनस वन डी, तो डायरेक्ट जो है हमें लास्ट टर्म से कोई भी जो टर्म पूछी जाए वो पता हो जाएगा। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज फाइंड द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म। देखो यहाँ पे दिया हुआ है फोर्थ टर्म, क्वेश्चन नंबर 18, फोर्थ टर्म प्लस एट्थ टर्म, मतलब ए फोर और एट, फोर्थ टर्म होती है ए फोर, एट्थ टर्म इज ए एट, इन दोनों का जो सम है फोर्थ और एट्थ टर्म का वो दिया हुआ है इक्वल टू 24। एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, सिक्स टर्म प्लस टेंथ टर्म का जो सम है दैट इज गिवन 44। ये हमें दोनों वैल्यूज गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो है भी हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स पता करनी है। आपको पता है टर्म्स पता करने के लिए हमें चाहिए ए और डी, तो जो गिवन है उसी को सॉल्व करते हैं। आप देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं हम गिवन को ही सॉल्व कर रहे हैं और गिवन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे और उनसे जो इक्वेशन बनेगी उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, और ए और डी की वैल्यू आने के बाद हम इजीली कोई सी भी फर्स्ट थ्री टर्म्स फोर फाइव कोई सी टर्म बता। नाउ वी सॉल्व गिवन को मैं नाम देता हूं इक्वेशन वन और टू। तो फ्रॉम इक्वेशन वन ये जो बना है वो बन गया है a प्लस थ्री डी प्लस ए प्लस सेवन डी इक्वल टू 24। a4 इज एक्चुअली a प्लस थ्री डी और a8 इज इक्वल टू a प्लस सेवन डी, तो इक्वल टू हो गया 24। व्हेन वी सॉल्व इट लाइक टर्म्स तो a और a इज इक्वल टू 2a प्लस 3 प्लस 7 10 डी इक्वल टू हो गया है 24। और इसको और हम सॉर्ट करें बाय कॉमन 2 तो ये बन गया a प्लस 5 डी इक्वल टू 12। इस तरह से बन गई हमारी नई इक्वेशन बन गई इसको सॉल्व करने के बाद थर्ड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 a6 इज एक्चुअली a प्लस 5 डी प्लस a10 इज इक्वल टू a प्लस 9 डी और इक्वल टू हो गया 44। व्हेन वी सॉल्व इट तो इट बिकम्स 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। अगेन इट इज सॉल्व बाय 2 तो इट बिकम्स a प्लस 7d इक्वल टू 22। और आपको पता है जब इस तरह से दो इक्वेशंस फॉर्म हो जाएं तो हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों को एलिमिनेशन से कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 और 4 तो a प्लस 5d इक्वल टू 12 एंड a प्लस 7d इक्वल टू 22। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट इट तो बाय साइन चेंज a टू a कैंसिल, माइनस 2d इक्वल टू माइनस 10 और d इक्वल टू आ गया है 5। आप देखिए इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया है d की वैल्यू और d की वैल्यू हो गई है 5। Now put the value 2 is equal to 5 in equation 3, किसी में put कर दीजिए तो ये हो गया a plus 5 equal to 12, a plus 25 equal to 12, तो a की value आ गई है 12 minus 25 और a equal to हो गया minus 13। Now we have both the values d and a. If we have a and d, so easily we can write the ap. और the three terms हो गई minus 13. क्योंकि जो first term होती है वो a होती है minus 13. Next term हुई a plus d. मतलब minus 13 plus 5. That is equal to minus 8. Now next term हुई a plus 2d. So that is equal to minus 3. Now question number 19 is a word problem or it is very easy word problem. Subha Rao started work in 1995 at an
एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5000, जो सुपर आपकी एनुअल सैलरी है वो है 5000, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर, हर साल। तो मतलब नेक्स्ट ईयर कितने हो जाएंगे उसके 5200, उससे नेक्स्ट ईयर कितने हो जाएंगे 5400, इस तरह से उसकी हर साल जो है इंक्रीमेंट हो रहा है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीचेज रुपीज 7000, हमें बताना है कि कब उसकी इनकम जो है वो 7000 हो जाएगी। तो ये देखिए, उस तरह से एक वही प्रॉब्लम है, हमने एपी फॉर्म कर ली जो भी वर्ड प्रॉब्लम थी उसकी हेल्प से, और उस एपी की ये फर्स्ट टर्म हो गई है और ये लास्ट टर्म हो गई है। कौन से ईयर में के मैं इसकी सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगी, मतलब पूछने का तरीका है अगेन जो है इसमें एन पूछा गया है, और आपको पता है फॉर्मूला हमें पता ही है, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू होता है लास्ट टर्म। ए की वैल्यू है 5000 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू है 200 और इक्वल टू हो गया है 7000। नाउ एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 2000 इक्वल टू 7000 माइनस 5000, 5000 जो प्लस था वो हो गया माइनस, तो एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 200 बिकम्स इक्वल टू 2000, 7000 माइनस 5000 इक्वल टू 2000। नाउ एन माइनस वन इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 200, ये जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला गया है, एन माइनस वन व्हेन वी क्रॉस इट इट बिकम्स 10, तो n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। तो हमें पता लग गया कि जो 11th ईयर है, इन द 11th ईयर द सैलरी ऑफ सुब्बा राव इज 7000। तो एक तरह से वर्ड प्रॉब्लम को एपी को जो है एक वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में इन्होंने क्रिएट किया था। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें नाम चेंज है ओनली, और वहां पे नेम है रामकली सेव रुपीज 5 फर्स्ट वीक। रामकली जो है फर्स्ट वीक में रुपीज 5 सेव कर रही है, and from the next year he add the increase in weekly saving rupees 175, तो next week कितने हो गए 6.75, और ऐसे ये increase होके ये पूछा कि कितना, find the n when his salary income और income का question था पहले, तो income की जगह यहाँ पे आ गया कि उसकी जो saving है वो 20.75 rupees कब हो जाएगी। तो आपको पता है a इक्वल टू हो गया है 5, d इक्वल टू हो गया है 1.75, और अगेन लास्ट टर्म इज 20.75, यहाँ पे भी हमें n की वैल्यू पता करनी है, तो a d और s दिया हुआ है, तो हम यूज द फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू लास्ट टर्म, और a इज 5 प्लस एन माइनस वन डी इज 1.75, और लास्ट टर्म हो गई है 20.75। Now again by the same method n minus 1 multiplied by 175 is equal to 20.75 minus 5 plus 5 when transport to the right hand side to become minus 5. Now n minus 1 multiplied by 175 becomes 15.75. Now n minus 1 equal to 15.75 अपॉन 1.75, डेसिमल टू डेसिमल कैंसिल आउट, एंड 1575 डिवाइड बाय 175 तो बिकम्स 9, तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n की वैल्यू आ गई है 10। यहां पे हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 5.3, और दैट इज रिलेटेड टू सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स, और उसमें यूज होगा SN का फॉर्मूला जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स में मैंने लिखा है टॉपिक नंबर 5 और 6 पे, और उसकी हेल्प से भी आप देखेंगे कि सेम मेथड यूज करेंगे हम, वही गिवन वैल्यूज को यूज करके हम सॉल्व करेंगे एपी के क्वेश्चंस। टिल देन
पढ़ते रहें, सॉल्व करते रहें मैथ्स को और कंप्लीट कर लें 5.2। टिल देन बाय।